विरासत में हर बार खेती गृहस्थी सोना चांदी ही नहीं मिलती, कई बार जिम्मेदारियां भी मिलती हैं। आइए हम सब मिलकर इस विरासत को बचाएं। नमस्कार, मेरा नाम जैकी है और इस दूसरी वीडियो में जहाँ पे इंटरव्यू की श्रृंखला की बात हम लोग कर रहे थे और आज हम आए हैं बोधगया मठ। बोधगया मठ एक प्राचीन धरोहर है महाबोधि के पूर्वी छोर में, और हमारे साथ है स्वामी विवेकानंद जी जो इस मठ के सेवा के लिए यहाँ हैं। और इंटरव्यू की श्रृंखला शुरू करते हैं, चलिए स्वामी जी से कुछ सवाल पूछते हैं और इस तरह से श्रृंखला शुरू करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए, धन्यवाद। स्वामी जी अपना परिचय बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बोधगया मठ में आए हैं और महात्माओं के विषय में जानने की जिज्ञासा रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद। वैसे साधु का परिचय तो यही है कि हम सभी उस परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, किंतु व्यवहार में व्यक्ति जो परिचय देता है वो अपने शरीर का ही परिचय देता है। तो हमारे शरीर का जो परिचय है, मेरा नाम स्वामी विवेकानंद गिरी, गुरु महंत त्रिवेणी गिरी, वर्तमान में बोधगया मठ में मैं रह रहा हूँ और बोधगया मठ के व्यवस्था को देख रहा हूँ। जी स्वामी जी, मैं काफ़ी मतलब कलर और रंग कपड़े से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हूँ। मैं देखता हूँ कि जब भी स्वामी जी हो जैसे होते हैं, जैसे आपका कपड़ा है केसरिया है, जी, तो ये केसरिया कपड़ा क्यों? देखिए, कपड़ा जो है वो एक पहचान है, इसे हम लिंग कहते हैं। आपको मैं बताऊं कि सनातन धर्म में चार वर्ण व्यवस्था के अतिरिक्त जो है वो चार आश्रम व्यवस्था है मनुष्य के लिए बनाया गया है। उसमें आप देखेंगे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो आप जो हमारा मठ है और जो हमने वेश धारण किया है वो चौथा आश्रम जिसे हम संन्यास आश्रम कहते हैं, वो संन्यास आश्रम का वेश है। इसमें केसरिया धारण करते हैं, जो हमारा गेरुआ वस्त्र दिखते हैं, इससे आपको यह ज्ञात होता है कि यह व्यक्ति संन्यासी हैं और एक भगवान शंकराचार्य ने जो परंपरा चलाया है उनको पालन करने वाले लोग हैं। स्वामी जी, शंकराचार्य का नाम लिया हमने, स्वामी शंकराचार्य कौन थे? देखिए, आदि गुरु शंकराचार्य, वर्तमान में जो सनातन धर्म का स्वरूप आप पूरे भारत में जो देखते हैं जी। आप जो एक व्यवस्थित स्वरूप सनातन धर्म का जो देख रहे हैं उनमें भगवान शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे तो भगवान शंकराचार्य का अवतरण को लेकर के मुख्य धारा के लोग और महात्माओं के मध्य में दो तिथि को लोग मानते हैं, कुछ लोग ईसा पूर्व का मानते हैं और कुछ लोग छठी सातवीं शताब्दी का मानते हैं। किंतु भगवान शंकराचार्य के जीवन और उनके शिक्षाओं के विषय में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। भारतवर्ष में सनातन धर्म को व्यवस्थित करने का और सुव्यवस्थित तरीके से संस्कृति का प्रचार प्रसार हो, इसके लिए उन्होंने बहुत कार्य किया है। भगवान शंकराचार्य के बाद ही दशनाम परंपरा का शुरुआत हुआ है, जिस दशनाम परंपरा में बोधगया मठ भी आता है। और भगवान शंकराचार्य ने भारत को सांस्कृतिक रूप से एक करने के लिए चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की, और चारों दिशाओं में मठ की स्थापना करने का उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो चारों वेद के प्रचार प्रसार से है। जैसे अगर आप गया और मगध के क्षेत्र को देखेंगे तो हमारा क्षेत्र पूरी के क्षेत्र में आता है। अच्छा। पूरी का जो मठ है आपका गुजरात में है, उसके बाद में उत्तराखंड के जोशी मठ, पूरी मठ और रामेश्वरम में जो है, तो बोधगया मठ जो है वो पूरी मठ के क्षेत्र में है। और पूरी का जो मुख्य वेद है वो ऋग वेद है, तो मुख्य रूप से भगवान भाष्यकार भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उपनिषदों पे और ब्रह्मसूत्र पे भाष्य किया है तो उनको भाष्यकार कहते हैं। तो अगर आप छोटी कुछ शब्दों में अगर भगवान भाष्यकार को अगर आप व्याख्या करने का या उनका परिचय देने का अगर आप प्रयास करेंगे तो यही बोल सकते हैं कि वर्तमान में जो सनातन का जो स्वरूप देखते हैं, जो ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों की व्याख्या देखते हैं, जो वर्तमान समाज में प्रचलित है, वो भगवान भाष्यकार का ही देन है। बहुत सुंदर स्वामी जी। स्वामी जी, मैं बचपन से बोधगया से हूँ और
कई बार जब यहाँ से गुजरता था तो ये किला नुमा जो पूरा बना हुआ है परिसर, उसको देख करके बड़ा अच्छा लगता था। तो थोड़ा परिचय बताइए, ये क्या है? देखिए, वैसे तो हम सामान्य भाषा में इसको मठ कहते हैं, लेकिन हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वास्तविक में मठ और मंदिर क्या है। मुख्यधारा के जो लोग हैं वो मठ और मंदिर को एक ही समझते हैं, किंतु मठ और मंदिर जो है उपासना का स्थल ही, लेकिन उनमें अलग अलग विभाग है। मठ का मतलब होता है जहाँ पे उस परंपरा से संबंधित महात्मा या सन्यासी रहते हुए समाज में संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उसको हम मठ कहते हैं। तो वर्तमान में जो बोध गया मठ का, आप किला नुमा परिसर देखते हैं, इस परिसर का बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। ये पूरे भारतवर्ष में सन्यासियों का सबसे बड़ा मठ है। अगर आप आज़ादी के पूर्व में देखेंगे तो बोध गया मठ अपने आप में एक अद्भुत और अद्वितीय मठ इस कारण है कि ये मठ का इतना बृहद स्वरूप है कि यहाँ के महंत राजा की तरह हैं। समाज में जो धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार इन्होंने इतना किया है, और उस समय में तत्कालीन पर समय में यहाँ के जितने भी राजा लोग थे, जो भी शासक थे, उन्होंने महंत जी के व्यवहार से और उनके ज्ञान से इतने प्रभावित थे कि मठ को उन्होंने इतना बृहद स्वरूप दिया कि ये पूरे भारत का सबसे बड़ा सन्यासियों का मठ बन गया। स्वामी जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, जब क्योंकि महाबोधि मेन टेम्पल भगवान बुद्ध का एक ज्ञान प्राप्ति का जगह है, और इसी के साथ में ये जगह है, तो मतलब ऐसा क्या रिलेशनशिप, आपका क्या रिलेशनशिप है इसके साथ में, क्या संबंध है? देखिए, भगवान बुद्ध के आने के यहाँ, भगवान बुद्ध यहाँ तपश्चर्या की और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, किंतु अगर आप गया के क्षेत्र को देखेंगे और अगर पुराण में और जो भी सनातन ग्रंथ हैं उनमें हमेशा से आप देखेंगे तो गया को ज्ञान और मोक्ष की भूमि के रूप में ही वर्णित किया गया है शास्त्रों में। बोध गया मठ का जो परिसर देख रहे हैं वो तो हो सकता है 300 या 400 वर्ष पूर्व का बना हुआ है, किंतु यहाँ पर इस क्षेत्र में जो नदी के किनारे है, जिसको बोध गया और गया का क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पे महात्मा आदिकाल से रहते आए हैं। बहुत सारे यहाँ महापुरुष और बहुत सारे ग्रंथों में ये उल्लेख आता है कि भगवान बुद्ध के आने के वर्षों पूर्व भी यहाँ महात्मा निवास किया करते थे। तो मठ का जो वर्तमान अस्तित्व देख रहे हैं वो तो भगवान शंकराचार्य के आने के बाद से दशनाम परंपरा बना, और उस दशनाम परंपरा में बोधगया मठ ने गिरि नामा को स्वीकार करके आगे चले। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं महाबोधि मंदिर और बोधगया मठ के संबंध के विषय में। तो आज़ादी से पूर्व अगर देखेंगे तो बोधगया मठ के ही नियंत्रण में हमेशा से महाबोधि मंदिर रहा। अब ये कब से रहा, ये लिखित दस्तावेज तो स्पष्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन आज़ादी के पूर्व से 500 से 700 वर्षों तक तो बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा है कि उतने समय तक बोधगया मठ के नियंत्रण में महाबोधि मंदिर रहा। और बहुत सुंदर और बहुत गौरव का विषय है कि ये जो मठ हैं, तो हम लोग जितने भी सन्यासी हैं वो भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के नौवें अवतार के रूप में मानते हैं। अच्छा। तो जिस प्रकार से मठ के अंदर जो हमारे यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, उसी प्रकार से वहाँ भगवान बुद्ध का मंदिर है, और आज़ादी के पूर्व तक मठ के नियंत्रण में रहा और मठ के द्वारा ही उसको संरक्षित और संवर्धित किया जाता रहा। और वर्तमान में भी जो महंत जी और सरकार के द्वारा जो BTMC बनाया गया, BTMC X 1949 बनाया गया, उसमें भी जो है मठ का जो है अधिकार, अभी महंत जी जो रहेंगे वो परमानेंट मेंबर आज भी महाबोधि मंदिर में हैं। और एक आपको मैं एक और विषय बता दूं महाबोधि मंदिर के विषय में, कि महाबोधि मंदिर को लेकर के भारत ही नहीं, भारत के अतिरिक्त भी जो बौद्ध धर्मावलंबी भगवान बुद्ध को अपने आराध्य मानने वाले लोगों ने 1800-1900 के दशक में जब विरोध उनका उत्पन्न हुआ और जब महाबोधि मंदिर पर वो अपना अधिकार मांगने लगे,
तो यहाँ के महंत जी ने कहा कि देखिए अधिकार, चूँकि 500-700 साल से मंदिर जो है वो मठ के ही अधिकार में है, किंतु पूजा और उपासना के लिए वो सदैव सभी के लिए खुला है, और इसी आधार पर भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का नौवां अवतार मानते हुए प्रिमी काउंसिल ने, उस समय हमारा देश जो है वो अंग्रेजों के अधीन था, तो लंदन में एक टीम बना और उन्होंने भी ये रिपोर्ट दिया कि महाबोधि मंदिर का अधिकार जो है वो बोधगया मठ के महंत के पास, महंत जी के पास में ही रहेगा। तो हमारा संबंध बहुत प्रेमपूर्ण रहा है। मैंने देखा स्वामी जी कि जब मैं ऊपर आ रहा था तो आपके पास में कोई छोटा सा संग्रहालय है भी है, बहुत सारे बुद्ध मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। जी जी, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, चूँकि क्या है कि अब वर्तमान में तो आप जो मूर्तियाँ देख रहे हैं वो तो संख्या बहुत कम है। यहाँ के जो तत्कालीन महंत रहे कृष्ण दयालु गिरी जी ने, उन्होंने तो लगभग 100-150 मूर्ति जो है वो पटना म्यूजियम को भी दिया है, और बहुत सारा मूर्ति जो भगवान बुद्ध का आप देख रहे हैं, तो भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के नौवें अवतार के रूप में मानते हैं। इस कारण आज भी बोधगया मठ में भगवान बुद्ध की मूर्ति आपको मिलेगा, और उसमें पूजा पाठ जैसा हम और भगवान के पूजा पाठ करते हैं वैसे भगवान बुद्ध का भी पूजा पाठ आज भी होता है मठ में। बहुत सुंदर स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आपके जब यहाँ परिसर में घूम रहा था तो मैंने पाया कि आपके पास में किताबों की बहुत बड़ी मतलब खेप है, तो उसके बारे में। जी 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 जी, हमारे यहाँ आपके महंत हुए महंत कृष्ण दयालु गिरी जी के पूर्व में यहाँ पे पूजनीय महंत हेम नारायण गिरी जी हुए हैं। तो हेम नारायण गिरी जी के विषय में तत्कालीन जो यहाँ के जिलाधिकारी थे, उस समय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते थे जी या गिरियर्सन, 1892 में उन्होंने एक पुस्तक लिखा है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बोधगया मठ। उसमें वो वर्णन करते हैं कि बोधगया मठ में जो लाइब्रेरी है वो हेम नारायण गिरी जी के द्वारा बनाया गया है, और बोधगया मठ में जो लाइब्रेरी है उसमें आपको बहुत ही अद्भुत कलेक्शन सनातन धर्म और बौद्ध दर्शन आपको मिलेगा। और अभी तो हमने सब लोगों को बताया भी है, वहाँ पर मुझे कुछ ताड़ पत्र प्राप्त हुए हैं बोधगया मठ के लाइब्रेरी में, वो ईसा के पूर्व के हैं। एक जो ताड़पत्र है जिनको जानवी चरित्रम करके है, उसमें भगवती गंगा के प्रवाह का उल्लेख है, तो वो ईसा के पूर्व का है। तो उसके संरक्षण के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं अभी हम लोग, प्रयास कर रहे हैं। पिछले 30-40 वर्षों से तो महात्माओं के अभाव में और देख रेख के अभाव में लाइब्रेरी सुव्यवस्थित तरीके से नहीं चलता रहा है। वर्तमान में जितने भी हम महात्मा हैं और प्रशासन के सहयोग से हम संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी लाइब्रेरी में सभी पुस्तकों का सूची बनाया जा रहा है और विषयों के अनुसार उनको क्रम से रखा जा रहा है, और उसको और भी भविष्य में किस प्रकार से संरक्षित किया जाए इसके लिए बातचीत चल रहा है। बहुत सुंदर स्वामी जी। स्वामी जी, मैं जैसे अभी मेन गेट से वापस जब आ रहा था तो मैंने कॉरिडोर में देखा कि काफ़ी सारे लाल पत्थर बने हुए हैं, साथ में फूल्स लगे हुए हैं। अंदर आने में भी देखा मैंने तो रेड कार्पेट बिछा हुआ है। ये सब डेवलपमेंट मतलब कैसा है, क्या अच्छा लग रहा है आपको, मतलब कुछ और भी होने वाला है या फिर ऐसे? नहीं, बिल्कुल, अभी बोधगया मठ में समाज के द्वारा और यहाँ के महात्माओं के द्वारा मठ की स्थिति को देखते हुए नए महंत बनाए गए हैं, महंत त्रिवेणी गिरी जी, और उनके महंत बनने के पश्चात धार्मिक न्यास बोर्ड ने भी जिलाधिकारी महोदय को बोधगया मठ का अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद से समाज प्रशासन और महात्माओं के सहयोग से बोधगया मठ का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी जो आप मुख्य दरवाजे से अंदर आते हैं तो बोधगया मठ के प्रति समाज में आकर्षण बढ़े, पर्यटकों का आना जाना सुगमतापूर्वक हो सके, इस कारण से बाहरी परिसर को विकसित किया जा रहा है और सुंदर बनाया जा रहा है। इसी क्रम में बाहर के विकास तो हो ही रहा है, उसके बाद अंदर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मठ परिसर के अंदर जितनी भी मूर्तियाँ हैं तो उनका हम लोग सर्वे करवा करके, जो पुरातात्विक अभिलेख हम लोगों के पास में है उसके हिसाब से हम लोग कैटलॉग बनाएं, ताकि जितने भी आगंतुक बोधगया मठ में आते हैं वो इसकी प्राचीनता से परिचित हो पाएं, इसके गौरव से और श्रद्धा उनमें आ सके, इस कारण किया जा रहा है। बहुत सुंदर स्वामी जी। जैसा मैंने तो बोधगया बहुत टूरिज्म प्लेस है, महाबोधि टेम्पल, उसके अलावा बहुत सारे बौद्ध मंदिरें भी यहाँ पे हैं। उस जगह पे
एक हिंदू मॉनेस्ट्री यहाँ पे फल फूल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है आगे भी आने वाले इतने समय में जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं महाबोधि के मंदिर के अलावा भी मठ घूमने आएंगे। एक और स्वामी जी, मैंने देखा कि आप लोगों ने यू नो गौशाला भी बनाया है। जी जी, सुंदर गौशाला, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो गौशाला बनाया गया है उसमें जिला अधिकारी महोदय जो पूर्व में थे माननीय अभिषेक सिंह जी का बहुत सहयोग रहा है। उनके ही सहयोग से बीटीएमसी ने कुछ धन दिया है। अच्छा। तो जिला अधिकारी महोदय और बीटीएमसी के सहयोग से बोधगया मठ में गौशाले का निर्माण करवाया गया है और वर्तमान में 150 गौवंशों का रक्षा यहाँ पर हो रहा है। स्वामी जी, मैं ऊपर आ रहा था तो मैंने देखा कि बीच में जो आपका मेन कॉरिडोर है वहाँ पे जो एक क्या बोलेंगे आप, गद्दी बोलते हैं इसको? जी जी, गुरु गद्दी के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो हमारा गुरु गद्दी है। कहते हैं कि हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है, ज्ञान का जो प्रवाह सनातनी जो संस्कृति में जो है उसमें गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देते हैं और उसी के अनुसार ये परंपरा निरंतर समाज में बनी रहती है। तो बोधगया मठ में जिसके विषय में आप चर्चा कर रहे हैं वो हमारा गुरु गद्दी है। हम मानते हैं कि गद्दी तो भगवान आदिगुरु शंकराचार्य का ही है, लेकिन बोधगया मठ के जो महंत होते हैं वो साल में कुछ तिथियों पर, कुछ विशेष तिथियों पर गद्दी पर विराजमान होते हैं भगवान शंकराचार्य के प्रतिनिधि के रूप में, उस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सुंदर। स्वामी जी, मैं तो टूरिस्ट गाइड हूँ और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग यू नो महाबोधि मंदिर और इसके अलावा मठ में भी आए, तो उनके लिए क्या कहना है, कुछ संदेश देना चाहते हैं, वो कैसे आ सकते हैं? बिल्कुल, आप टूरिस्ट जितने भी गाइड हैं उनसे तो हमारा एक बहुत आग्रह रहेगा, एक हमारा निवेदन रहेगा, आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि सबसे पहले अगर हम किसी पर्यटकों को अगर बोधगया मठ के विषय में कुछ बता रहे हैं तो हमारे पास में जानकारी ऑथेंटिक होना चाहिए, हमारे दस्तावेजों के आधार पे होना चाहिए। तो अभी तक हमने जो देखा है, एक या डेढ़ वर्ष में हमने जो देखा है कि जितने भी टूरिस्ट गाइड हैं वो बोधगया मठ के विषय में जो तथ्य लोगों को बताते हैं या तो वो अधूरा जानकारी के आधार पर होता है। तो मैं सभी लोगों को यही निवेदन करूंगा कि वो सब सर्वप्रथम बोधगया मठ में आएं और बोधगया मठ के इतिहास से वो परिचित हों, इसके गौरव से परिचित हों, और अगर हम इतिहास और गौरव को खुद भी जानेंगे और लोगों को बताएंगे तो बोधगया में आने वाले पर्यटकों को अच्छा ज्ञान मिलेगा और पर्यटक बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे स्वामी जी और आगे का इंटरव्यू, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कुछ और नए लोगों से मिलेंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ स्वामी जी। आपका भी जयकी जी, बहुत 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 धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में कई लोग जो बोधगया महाबोधि मंदिर वगैरह घूमने आते होंगे शाम के वक्त या सुबह के टाइम पे इस परिसर को भी घूमने आएंगे और यहाँ पे जो गुरु शिष्य परंपरा है उसको देख कर धन्य हो पाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।